वेलकम टू बॉलीकल। पर्सनली मैंने आदि पुरुष से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, बट आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। अकॉर्डिंग टू मी, अ सिंपल थीम एंड सिंपल इमोशनल सिचुएशन मेक्स अ ग्रेट फिल्म, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज मोर यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लेक्स, जो हमारे रामायण जैसी कहानी के पास है भी, बट इन आदि पुरुष या रामायण के रियल एक्सपेक्ट से बहुत दूर है। अल्टीमेटली इट इज़ नॉट रामायण। एनी वे, इन दिस वीडियो आई विल गिव यू माई सिनेमैटिक रिव्यू ऑन आदि पुरुष, दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो, सो वी रिक्वेस्ट वॉच वीडियो टिल द एंड। के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे? नंबर वन, कल्चर डिसरेस्पेक्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चर ऑफ इंडिया, सो आप इस चीज से क्या समझते हैं, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज ऑल अबाउट एसेंस ऑफ एनी कंट्री। हमारा कल्चर ही हमारे देश की पहचान है, एंड हमारे हिस्टोरिकल कल्चर में रामायण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टिव कहानी है, जिसके बेस पर इंडिया के करोड़ों लोग जीते हैं। बट आदि पुरुष इस चीज़ को नहीं समझ पाए। मेकर्स को ये बात समझनी चाहिए, चीज़ें भले ही तेजी से बदल रही हैं, बट कल्चर को कभी भी नहीं बदला जा सकता। इट इज़ ऑल अबाउट डिसरिस्पेक्ट ऑफ रामायण। फिल्म के ऑफेंसिव डायलॉग एंड सीन्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, एंड इट्स रियली डिसरिस्पेक्ट ऑफ रामायण। नंबर टू, सिनेमैटिक वाइज किसी फिल्म के बारे में तब बात की जाती है जब उसकी टेक्निकलिटीज वर्क करती हों। इस केस में आदि पुरुष के पास फिल्म मेकिंग वाइज कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं है। फिल्म की स्क्रीन राइटिंग, फिल्म के परफॉर्मेंस, फिल्म के VFX एंड फिल्म के डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें बहुत ही लो लेवल से प्रेजेंट की गई हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि मेकर्स को रामायण को प्रेजेंट करना आया ही नहीं। अ ग्रेट फिल्म शुड बी लाइक, जहाँ आपकी सभी फिल्म टेक्निकलिटीज आपको फिल्म से बांध के रखें, ना कि उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाए, एंड आदि पुरुष लाइक सेंसलेस फिल्म मेकिंग। नंबर थ्री, मेकर्स विजन। किसी भी फिल्म मेकर के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने विजन को फिल्म के थ्रू लोगों को प्रेजेंट करें। बट आफ्टर वॉचिंग आदि पुरुष आई रियलाइज कि आज भी सिनेमा में ऐसे कई लोग हैं जो सिनेमा को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। सिनेमा डजंट सेज कि आप अपने कल्चर में चेंजिंग एंड उसके डिसरिस्पेक्ट करें, इवन इट टेल्स कि आप अपने कल्चर को ब्यूटीफुली लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं। मेरे लिए इस मूवी को इस टाइप के विजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सिनेमा को सिनेमा की तरह प्रेजेंट करना ही एक ब्यूटीफुल विजन होता है, जो आदि पुरुष के मेकर्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट नो कि मेकर्स के पास ये गट्स कहाँ से आए जो उन्होंने इस मूवी को रिलीज कर दिया। इट्स रियली चाइल्डिश विजन ऑफ फिल्म मेकिंग। नंबर फोर, फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा। बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, बट ऐसे में एक ही चीज़ है जो कॉन्स्टेंट है, दैट इज आर कल्चर। और यही चीज़ हमारे आने वाले सिनेमा की पहचान है। अडॉप्टिंग चेंजिंग थिंग इज राइट, बट फॉरगेटिंग आर कल्चर इज रॉन्ग। और सिनेमा का बदलना ज़रूरी है, बट एट द एंड उसका एसेंस हमारा कल्चर ही होना चाहिए। आई थिंक अगर ऐसी ही ऑफेंसिव फिल्म आती रहेंगी, सो इंडिया का सिनेमा एंड इंडिया के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इट्स रियली बैड थिंग फॉर अस। के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे? Alright, this is my personal cinematic review and thoughts on Adipurush. आपके thoughts मुझसे अलग भी हो सकते हैं, which is totally democratic. आप हमें comments में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं. Do let us know in the comment. इसी के साथ आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं withxpolicle, जहां आपको cinema and entertainment जैसे related जानकारियां मिलती रहेंगे. Okay, see you soon in the next video. Bye bye.